इंदौर के तीन इमली स्थित तो 9 साल पुराने ब्रिज में दरार आने से विभागों में हड़कंप मच गया। यह ब्रिज पीडब्ल्यूडी ने 2016 में 38 करोड़ की लागत से बनाकर तैयार किया था। ब्रिज बनने के दौरान यहां पर गार्डर भी गिरी थी जिसमें कई मजदूर घायल हो गए थे। 9 साल पहले बने तीन इमली स्थित ब्रिज में दरार आने से विभागों में हड़कंप मच गया। तीन इमली स्थित ब्रिज 2012 में बनना शुरू हुआ था जो 2015-16 में बनकर तैयार हुआ था। बनने के दौरान इस ब्रिज की गार्डर भी गिर गई थी जिसमें कई मजदूर घायल हो गए थे। पीडब्ल्यूडी ने इस ब्रिज को तैयार किया था और इसे बनने में 38 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इसके बनने के बाद एक पत्र लिखकर नगर निगम को भी सौंपा गया था। अब इस ब्रिज में दरार आने के बाद दोनों विभागों में हड़कंप मच गया और कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मामले में नगर निगम ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी ने हमें प्रॉपर तरीके से स्वीकृत नहीं किया और यह हमारे रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं है। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि अब अगर हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, पीडब्ल्यूडी या इंदौर नगर निगम? इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।